अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह है, सुबह का 9:30 बज रहा है, बन रही है चाय कड़क और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए वड़ा पाव। वड़ा पाव की है तैयारी, तो आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहले हम वड़ा पाव को बनाने का स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आलू उबाल लिए हमने, आप अपने हिसाब से बनाइए जितने आपको वड़ा पाव बनाना है। मुझे तो 6-7 वड़ा पाव चाहिए, तो इसीलिए मैंने 1/2 किलो से थोड़े ज़्यादा आलू लिए हुए हैं। वो बच भी गया तो आलू के पराठे काम आ जाएंगे। और ये है बेसन जो मैंने घोल लिया है अपने हिसाब से, और ये है चटनी की तैयारी की हुई है, और ये है बघार उसका आलू का। तो बघार के लिए मैंने लिया है कड़ी पत्ता थोड़ा सा, 2 चुटकी जीरा, 2 चुटकी राई, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून हींग है। और बेसन मैंने 2 कप लिया हुआ है, उस पर हल्की सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक और खाने का सोडा मिलाया है मैंने। और ये देखिए, ये है वड़ा पाव पर डालने वाली चटनी। इस पर एक इंग्रेडिएंट कम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च, नहीं सॉरी 2 टीस्पून लाल मिर्च है, नमक स्वाद अनुसार है, और लहसुन की 4 से और 1-2 बड़ी है और 3 छोटी कलियां हैं, देख सकते हैं आप। और इसमें जाएगा जो ये हमारे बड़े बनेंगे ना, वड़ा पाव के बड़े, उसका चूरा, जो चूरा बचता है ना बूंदी जैसा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये होती है वड़ा पाव की चटनी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको मैं साइड में करती हूँ। और अभी आलू का बघार लगाते हैं। अपन को आलू को गर्म नहीं करना है, कढ़ाई में छोक लगाएंगे और उतार के आलू को मिक्स करेंगे सिर्फ अपन लोग, ठीक है? तो रेडी करके आपसे मिलती हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई रख दी है मैंने, तेल भी ज़्यादा नहीं लेना है हमें। ये हम आलू का बघार लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप, 1/2 चम्मच मैंने तेल लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अपन तो डीप फ्राई करने वाले हैं ना, इस वजह से ऑयल कम लेंगे बघार में। कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लेते चारों तरफ। मेरा गैस है ना थोड़ा उस साइड बैंड है, तो वो तेल एक ही साइड जाता है। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं हम राई जीरा, इसमें लाइट थोड़ी आपको कम आ रही होगी तो सॉरी, मेरा लाइट थोड़ा डिम है। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने से बदहजमी नहीं होती फ्रेंड्स, हर ऑयली फूड या बघार में हींग डाला करें, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी खाते हैं। और अब हम गैस बंद कर देंगे, बस यही हमको बघार पकाना था खुशबू के लिए, ये बंद कर दिया हमने। और हल्दी और नमक डाल देंगे, दिख रहा है आपको? बस अब इसमें हम ये, मैंने आपसे कहा कि आलू हमें गरम नहीं करने क्योंकि इसके वड़े बनाने बहुत लेट हो गया वैसे भी नाश्ते के लिए। ये देखिए, ये ना आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, मगर टाइम कम है इस वजह से ये आलू गला नहीं है बराबर, काफी बड़ा था, इसको अलग कर देंगे, सब्जी में यूज हो जाएगा। ये होगा मेरे से, मैश कर ली हूँ मैंने, मेरे पास है ना समार नहीं है धनिया, हरा धनिया, तो आपके पास हो तो आप जरूर डालें, उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको मिक्स करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मिक्स हो गया है, इसमें समार आप डाल सकते हैं, आपको चाहिए तो इसके मिक्सचर में जो अपन ने बघार डाला है ना उसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च ऊपर से तल के रखूंगी, तो मेरे हस्बैंड को मुंह में मिर्ची आए पसंद नहीं है, तो मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है,
देखिए पूरा एक हो गया, कहीं से भी बचा हुआ नहीं है। अब हम इसके बड़े बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसन मैंने बहुत पहले घोला हुआ था, तो उसको एक बार और हाथ से और फेंट लेती हूँ, तो उसमें और थोड़ा सा अच्छा एयर आ जाएगी। और ये हमारे आलू के पेड़े तैयार हैं, अब हम इसे इसमें डिप करेंगे। तो ये हमने पहला लिए आलू का बॉल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला आपको भी खाना है? ये हमने यू निकाले ऐसे किए, आइए ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये जो निकलेगा यही हमें चटनी में डालना है रेडी करने के लिए। ओके, तो 1 मिनट बाद हम इसे पलट रहे हैं। और ये बाजू में जो आप देख रहे हैं ना भजिए के चूरा, वो मैंने अलग से डाली, निकल ही नहीं रहे थे, तो मेरे को तो चाहिए चटनी बनाने के लिए, तो मैंने डाला हुआ है। ओके, आप भी निकालिएगा, आपका भी मतलब अगर प्रॉपर बेसन घुलता है ना, तो ये टपकते नहीं है जब अपन वड़े डालो, तो ये थोड़ा निकालना पड़ता है अपने को। तो इसका थोड़ा अच्छा गोल्डन होने देते, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे गोल्डन हो चुके हैं वड़े, तो इसको हम निकालेंगे एक एक करके। टिशू में निकालिए आप, मेरा ऑयल दिखेगा नहीं आपको। देखिए मैं बाउल भी दिखाती हूँ उठा के, मेरा ऑयल नहीं निकलेगा। देखो ये देखिए ऑयल, और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे अलग निकालेंगे हम प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हमारे बड़े देखिए रेडी है। ये लाइट है, ये थोड़े डार्क हो गए हैं लास्ट के, पर ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, क्रिस्पी वाली ज्यादा अच्छी लगती है, क्रिस्पी भी है, ठीक है। और ये जो मैंने निकाली अलग से भजिए, इसको ज्यादा डबल फ्राई किया करें एक बार निकालने के बाद फिर से, ताकि ये जो बड़े बड़े बॉल्स है ना, ये भी क्रिस्पी हो जाए। मेरे क्रिस्पी हो चुके हैं, और अब हम इस चटनी में डाल देंगे। मैंने आपको एक बार और बता दूं, मैंने अपने हिसाब से 2 चम्मच, मेरी मिर्च तीखी भी है और रेड भी है। आप तीखा नहीं खाते होंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा, मैं तीखा खाती हूँ, मेरी बेटी खाती है, तो चटनी तो थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। और ये लहसुन है 2 बड़ी और 3 छोटी छोटी, और ये स्वाद अनुसार नमक है। और ये है, आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में चटनी बनाना चाहते ये उतना ही लीजिए, मुझे ज्यादा बनाना है। देख सकते हैं आप, मेरे पास बड़े मतलब पाव ज्यादा है, डबल डबल हम लोग अगर लगे तो खाएंगे, और इसीलिए मैंने चटनी भी ज्यादा बनाई हूँ। ये आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं ये अब इसमें पॉट में डालूंगी और आपको बताऊंगी चटनी पाउडर शेप सॉरी पाउडर फॉर्म में बनती है इसकी। तो ये देखिए इस टाइप पे, ये लहसुन लाल मिर्ची और वो भजिए के चूरे का, ये ऐसी चटनी बनती है जो हम वड़े पाव में डालेंगे। बहुत अंधेरा नहीं आ रहा, दिख रहा है ना आपको फ्रेंड्स? आई होप दिख रहा होगा। देखिए आप उनकी बातें मत सुनिए, मैं जो चटनी की रेसिपी दिखाई हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो कैसी लग रही है आपको चटनी, अब मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारा वड़ा पाव।